बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम को शायद किसी की नजर लग गई है। जी हाँ, फिलहाल में हुई यामी गौतम की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही थी, जिससे वो सोशल मीडिया पर रोज ट्रेंड कर रही थी। लेकिन अब वो सरकारी पंजों में फंसती हुई नजर आ रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक यामी गौतम को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। ये समन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन करने के मामले में पूछताछ के लिए भेजा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यामी गौतम को ईडी द्वारा अगले हफ्ते 7 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल यामी के निजी खाते बैंक में विदेशी मुद्रा लेन देन शामिल है, जिसके बारे में कथित तौर पर उन्होंने अधिकारियों को सूचित नहीं किया था। कुछ ट्रांजेक्शन सामने आने के बाद वो जाँच के दायरे में आ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला 1.5 करोड़ रुपयों का है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही यामी गौतम ने डायरेक्टर आदित्य धर से हिमाचल प्रदेश में बृहद सादगी से शादी की। एक्ट्रेस ने अचानक सोशल मीडिया पर शादी की फोटो शेयर कर फैंस को एक खुशखबरी दी। शादी के बाद यामी ने कई सारी फोटोज